हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वर्ल्ड बेस्ट वीडियो फॉर व्यू। इसके अंदर मैं आज आपको शाहरुख खान की नई अगली पिक्चर आने वाली है, जो कि जिसका नाम है रईस, जो कि जनवरी में रिलीज होने वाली है, उसके ऊपर मैं अपना अनमोल विचार देने जा रहा हूँ। हाँ, तो ये पिक्चर के डायलॉग बहुत अच्छे लगे मुझे, जो कि इन्होंने ट्रेलर डाला है नेट पर। उसको देखने के बाद मुझे इनका डायलॉग बहुत पसंद आया। बहुत दिनों के बाद ये ऐसे डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं। इससे पहले मुझे पसंद आई थी अजय देवगन की पिक्चर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी थी। उसके बाद मेन कॉन्सर्ट पे ये पिक्चर भी लगता है मुझे बनाया जा रहा है, और उनका भी डायलॉग बहुत काफ़ी अच्छा है। और इसमें भी क्राइम के ऊपर पिक्चर दिखाई गई है कि कैसे धंधे के ऊपर दिखाया गया और ये गलत काम करते हैं। और नवजोत सिंह की जो कि पिक्चर की जान है, और मुझे पता लगा था अपने सोर्सेज के द्वारा कि पहले नवजोत सिंह के जगह पे रेड चिली और एक्सेल वाले फरदीन खान को लेने सोच रहे थे, लेकिन भगवान ने बचा लिया इस पिक्चर को नैया डूबने से कि उनको आराम करने दिया घर पे और नवजोत सिंह को ले आए, और इन्होंने पिक्चर के लेवल को एक और कदम आगे तक बढ़ा दिया है। और काफ़ी अच्छी पिक्चर है, डायलॉग तो बहुत ही मस्त हैं, और शाहरुख खान तो शाहरुख खान ही है। और जाइए आप देखिए जाके, पाकिस्तान के इसमें एक्टर भी हैं, उनकी भी एक्टिंग देखिए, दूसरे मुल्क की लड़कियाँ कैसे एक्टिंग करती हैं, कैसे अदाकारी करती हैं, देखिए जाके, मज़े लूटिए जाके। और आखिरी में मैं बस यही कहना चाहूँगा रईस, मरने के लिए मैं आ रहा हूँ तुम्हारी पिक्चर देखने शाहरुख, रईस इंतज़ार करना, अम्मी जान कहती हैं। देखने के लिए मेरा रिव्यू, बहुत ही बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।